बैटरी है, आज हम इसे खोलते हैं, अंदर क्या होता है ये देखते हैं। दो प्लेट लगा रहे हैं। तो देखो ये यहाँ से हम लोग ट्राई कर रहे हैं खोलने के लिए, और यहाँ पे बैटरी फाइनली काफ़ी मेहनत के बाद में ललित भाई ने खोल दी है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्विक फिक्स इंडिया। मेरा नाम है रवि चंद्राणा। दोस्तों आज के टॉपिक में हम बात करने जा रहे हैं VRLA बैटरी के बारे में। दोस्तों आप देख सकते हो मुझे, मैं अमरॉन के बैटरी के स्टोर में हूँ। सो आज का टॉपिक जो रहेगा हमारा VRLA बैटरी के बारे में। सो बैटरी के टॉपिक पे बात करने वाले है। सो देखते हैं क्या क्या बेनिफिट्स है इस बैटरी के, कैसे इस बैटरी को मेंटेन करना है, कैसे ये बैटरी फंक्शन करती है। VRLA बैटरी क्या होती है? काफी लोग उसे ड्राई सेल बैटरी कहते हैं, काफी लोग उसे जीरो मेंटेनेंस बैटरी कहते हैं, और काफी लोग उसे सील्ड बैटरी भी कहते हैं। VRLA बैटरी जो है वो है वॉल रेगुलेटेड लेड एसिड बैटरी। उसे क्या होता है, उसमें बेसिकली उसमें भी पानी होता है, वो ड्राई बैटरी नहीं होती है। VRLA बैटरी के अंदर काफी कंपनीज AGM का यूज करती है, जिसे हम लोग एब्जॉर्ब ग्लास मैट बोलते हैं। बीच में जो प्लेट्स होती है उसके बीच में AGM के प्लेट्स डाली होती है, एसिड होता है बैटरी का, उसे ऑब्जॉर्व कर लेता है। आपको लगता है ये ड्राई सेल बैटरी है, सो ये ड्राई सेल होती नहीं है। एक एग्जांपल देता हूं, जैसा स्पंज के अंदर हम लोग पानी डाल देते हैं, स्पंज है वो पानी को सोक कर लेता है, वैसे ही ये AGM जो है जिसे एब्जॉर्ब ग्लास मैट कहते हैं, वो ये एसिड को सोक कर लेता है। बैटरी है ये पिगी बैंक के जैसे काम करती है, उसके हम लोग पैसा डालेंगे और पैसा निकाल भी सकते हैं, लेकिन अगर हम खाली पैसा निकालते रहेंगे तो पिगी बैंक खाली हो जाएगा। सो सेम बैटरी का चीज है, बैटरी से आप अगर बैटरी को प्रॉपरली मेंटेन नहीं करेंगे आपकी बैटरी की लाइफ भी कम होगी। दोस्तों आपको अगर आपका बैटरी का लाइफ बढ़ाना है तो मैं एक दो तीन टिप दूंगा जिसे हमेशा फॉलो कीजिए। सबसे बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट टिप जो है, जब भी आप सुबह में गाड़ी स्टार्ट करते हैं आप ट्राई कीजिए कि किक का यूज किए। सो बैटरी को कैसा मेंटेन करना है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आज के तारीख में जो VRLA बैटरी होती है उनके चार्जर्स जो होते हैं वो सेपरेट चार्जर्स आते हैं। चार्जर्स है वो काफी अलग चार्जर्स आते हैं। यहाँ पे दो ऑप्शन देख रहे हैं आपको दोस्तों चार्जर के अंदर, एक है VRLA बैटरी का चार्जर और एक है फ्लडेड बैटरी का चार्जर। नीचे बटन करूंगा मैं तो ये फ्लडेड बैटरी आ गया, ऊपर करूंगा तो ये आ गया VRLA। ये जो बाइक के चार्जर्स होते हैं इसका जो मैक्सिमम MPR जो है वो 9 MPR है। बुलेट की बैटरी जो 14 MPR की भी होती है, लेकिन हम लोग अगर उसको 9 MPR पे ज्यादा समय तक अगर चार्ज करते हैं तो वो फुल चार्ज हो जाती है। VRLA बैटरी या कोई भी बाइक की बैटरी है उसे अगर आप कार के चार्जर से चार्ज करोगे तो बैटरी डैमेज होती है, अंदर के प्लेट वीक होते हैं। कैसे होते हैं, आप एक चीज देख सकते हो, जब हमारे घर पे AC का वायरिंग हम जब करते हैं, जहां पे गीजर वगैरह है वहां वोल्टेज के लिए हम लोग जो बटन है थोड़ा हेवी गेज का, मतलब ज्यादा MPR का बटन यूज करते हैं, नॉर्मल बटन वहां यूज नहीं करते। उसका रीजन क्या है, हम अगर नॉर्मल बटन यूज करेंगे तो वो बटन जल जाता है। सो फ्यूज के अंदर भी सेम थिंग है, कार के फ्यूज है छोटे से फ्यूज होते हैं, घर के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी के फ्यूज होते हैं काफी बड़े फ्यूज होते हैं, फैक्ट्री में बड़े बड़े बटन्स लगाए जाते हैं जो आप देखे रहेंगे जिसके नॉब्स बड़े बड़े होते हैं। वो क्यों लगाते हैं, क्योंकि उसका वोल्टेज ज्यादा होता है, उसका जो कंजम्पशन पावर है वहां से ज्यादा होता है, इसके लिए वो बड़े बड़े बटन्स वहां लगाए जाते हैं। अगर आप छोटी बाइक की बैटरी, जिसे हम लोग बाइक का मैक्सिमम MPR मैंने आज तक जो देखा है वो 14 MPR है जो बुलेट की बैटरी में लगता है, एक्टिवा या जो नॉर्मल बाइक्स की बैटरी होती है वो 4 MPR से 9 MPR के बीच में ही होता है। 4 MPR या 9 MPR की बैटरी होती है उसे हम अगर 35 MPR जो मिनिमम चार्जिंग कैपेसिटी पे अगर हम उसे चार्ज करते हैं तो कहीं ना कहीं बैटरी डैमेज होगी। आप देख सकते हो ये जो बड़ा चार्जर है, ये जो है ये कार का चार्जर है, इसके ऊपर अगर हम बैटरी बाइक की चार्ज करते हैं दिस विल डैमेज द बैटरी। सो आई विल रिकमेंड दैट आप कहीं पर भी बैटरी चार्ज करने जा रहे हो सो मेक श्योर कीजिए कि आप जो बैटरी चार्ज कर रहे हो वो 2-व्हीलर चार्जर पे चार्ज कर रहे हो, जिससे आपका बैटरी डैमेज नहीं होगा। दूसरी चीज देखते हैं दोस्तों, VRLA बैटरी, जैसे आप सेल्फ मारते हो गाड़ी के, तो जब भी सेल्फ मारते हो सो क्या होता है, कभी कभी सुबह में गाड़ी चालू नहीं होती है तो हम क्या करते, तुरंत सेल्फ मारते ही रहते हैं उसको, और सेल्फ मार मार के थोड़ा बैटरी को डाउन कर देते हैं। जब भी आप सेल्फ का यूज करते हो 5 सेकंड से ज्यादा, सो 5 सेकंड 1 2 3 4 5 दैट्स इट। अगर आप उससे ज्यादा कंटिन्यूसली सेल्फ मार रहे हो तो उसमें क्या होगा, आपका बैटरी जल्दी ड्रेन आउट हो जाएगा। अगर आपका 2 से 3 सेल्फ में गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है, कम से कम 30 सेकंड के लिए रुके, इससे और बैटरी थोड़ी ठंडी होगी सो वो प्रॉपरली और रिस्पॉन्ड कर पाएंगे। ये एक छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। तो VRLA बैटरी की जो टेक्नोलॉजी है दोस्तों, उसका लाइफ अगर आपको बढ़ाना है सो रेगुलर इंटरवल पे जब भी आप आपकी गाड़ी सर्विसिंग में देते हैं सो आप मेक श्योर कीजिए कि आप बैटरी भी चार्ज करने दीजिए उस समय में। अगर बैटरी फुल चार्ज होती है VRLA
सो आपको लाइफ बैटरी का अच्छा मिलेगा। काफी लोग ये सोचते हैं कि अरे वारंटी है, वारंटी क्लेम में हो जाएगा। दोस्तों ये तो आपको क्लेम वारंटी तो कंपनी देगा ही देगा, इंजन का भी वारंटी है लेकिन हम टाइम टू टाइम ऑयल चेंज करते हैं, आपको पता है गाड़ी का भी वारंटी है लेकिन हम लोग गाड़ी को टाइम टू टाइम सर्विस भी करते हैं, तो वैसे ही बैटरी को भी सर्विस कीजिए। सो आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, राइडिंग कंफर्ट अच्छा मिलेगा। जो VRLA बैटरी है आज हम इसे खोलते हैं, अंदर क्या होता है ये देखते हैं। यहाँ पे देखो हम लोग ट्राई कर रहे हैं, ये VRLA बैटरी है। VRLA बैटरी को कैसे आइडेंटिफाई करना है, ये देखो बाजू में मैंने जो बैटरी रखी है दोस्तों ये है फ्लडेड बैटरी। ये देखो इसके ऊपर से नॉब खुल जाते हैं, यहाँ से ऊपर से पानी डालते हैं। सो जिस डिस्टिल वाटर डालने के लिए या एसिड डालने के, सल्फ्रिक एसिड होता है उसे डालने के लिए ऊपर से जगह है। सो दोस्तों ये जो बैटरी है ये है फ्लडेड बैटरी, और ये जो उसके बाजू में हम जो देख रहे हैं ये VRLA बैटरी है। VRLA बैटरी मतलब आप देख, आपको बताया है मैंने, वॉल्व रेगुलेटेड लेड एसिड बैटरी। बीच में स्पंज के जैसे AGM होते हैं, जो एब्जॉर्ब ग्लास मैट के अंदर क्या होता है, जहाँ पे स्पंज के जैसा, स्पंज जैसा वाटर को सोक कर लेता है वैसे ही ये एसिड को सोक करके रखता है, और ये सील्ड बैटरी रहती है, मेंटेनेंस फ्री बैटरी। इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर हमें पानी डालने की जरूरत नहीं है। एक नई टेक्नोलॉजी है, लेकिन काफी लोगों का बोलना है कि ये ड्राई सेल बैटरी होती है क्योंकि पानी नहीं डाला जाता है, इसलिए ये लोग सोचते हैं ड्राई सेल बैटरी, लेकिन इसके अंदर भी पानी होता ही है। मेरे दोस्त है ललित भाई, आपने मेरे काफी वीडियो में देखा होगा, वो भी मेरी मदद कर रहे हैं। सो हम लोगों ने ये बैटरी खोल रहे हैं, इसको अभी देखो ये यहाँ से हम लोग ट्राई कर रहे हैं खोलने के लिए, और यहाँ पे बैटरी फाइनली काफी मेहनत के बाद में ललित भाई ने खोल दी है। और यहाँ बैटरी देखो, ये जो है ये आप देख रहे हो, यहाँ पे देखो पानी है। देखो मैं इसको जैसा हम लोग पानी को, कपड़े को जैसा निचोड़ते हैं, देखो मैं इसको निचोड़ने का ट्राई कर रहा हूँ, देखो पानी एसिड कहीं ना कहीं नीचे गिर रहा है। सो दोस्तों देखो इसके अंदर भी पानी है, और ये जो जिसके अंदर पानी रुका हुआ है उसे हम लोग AGM कहते हैं, अब्सॉर्ब ग्लास मैट। सो ये टेक्नोलॉजी है दोस्तों। दोस्तों एक चीज बताना चाहूँगा इस वीडियो में, आप जब भी बैटरी डिस्पोज करते हो सो उसके अंदर एसिड होता है, ये एनवायरनमेंट अच्छा रखने के लिए आप प्रॉपर चैनल थ्रू बैटरी को डिस्पोज कीजिए। कचरे के कूड़े के डब्बे में बैटरी को मत डालिए। जो ऑथोराइज डीलर्स होते हैं, एक्साइड हो गया, एमरॉन हो गया, ये सारे ऑथोराइज डीलर जिनके होते हैं उनके पास ही आप ये बैटरी को छोड़िए। ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। आपका कोई भी अगर क्वेश्चन है दोस्तों तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन को लिखिए, आई विल ट्राई टू आंसर दैट। राइडर्स प्लीज वेयर हेलमेट, ड्राइवर प्लीज वेयर सीट बेल्ट, कीप द रोड क्लीन, कीप द रोड सेफ, कीप द सिटी क्लीन। थैंक यू।